मॉर्निंग फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आगरा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6:12 और मैं तो रेडी हो चुका हूँ। दूसरे लोग भी रेडी हो रहे हैं, अभी रेडी हो जाएंगे। और आज का प्लान है, हम जा रहे हैं अभी ताजमहल। सुबह भीड़ भाड़ होने से पहले ताजमहल पहुँचेंगे, ताजमहल घूम लेंगे, फिर कुछ लंच वंच करके जाएंगे फतेहपुर सिकरी। तो चलो अभी यहाँ से थोड़ा सा पैकअप वैकअप करते हैं, रेडी हो चुके हैं नहा धो के एकदम सुबह सुबह, और फिर निकलते हैं, कैब का वेट करते हैं, कैब पकड़ते हैं और फिर जाते हैं ताजमहल। रेडी हो चुके हैं, जैकेट वैकेट पहन लिया। बाहर का टेम्परेचर 5 डिग्री है, 5 डिग्रीज, तो रिस्क नहीं ले सकते। थोड़ा सा जैकेट शैकेट फुल ड्रेस वेस डाल लिया है। नीचे आते हैं, देखते हैं हालत क्या है। देखो भाई साहब कितने डिग्री हो रहे हैं, 5 डिग्री। और ये आप ही यहीं पे, यहीं की हो, ठीक है? हाँ। अच्छा, और सुबह फिर ही आग लगा लेते हो? नहीं, सुबह नहीं, रात में लग जाती है, रात से चलती है सुबह। अभी चाहिए? बाप रे, 5 डिग्री तक हो रहा है अभी, उससे ज्यादा ठंड हो रहा है क्या अभी? 5 डिग्री तक ही जा रहा है। जीरो वीरो होता है आगरा में? कब होगा? होने वाला था जनवरी, फरवरी में, जनवरी का महीना हो जाता है ये, 15 तारीख के करीब। 15 तारीख, जनवरी 15, 1 डिग्री, 0 डिग्री माइनस जाता है? हाँ, माइनस भी चले, माइनस भी चले जाता है। अरे यार, बर्फ ही जम जाती है। बर्फ जमेगी आगरा में? बर्फ पड़ती है की जम जाती है खेतों पे, तो ऐसे ऐसी बहुत हो जाती है, जैसे घास है ना उसमें जम जाता है ऐसे करके। हाँ, सफेद हो जाता है, सफेद। लेकिन स्नोफॉल जैसा तो नहीं होता है ना? ना, उधर जैसा नहीं होता, स्नोफॉल जैसा नहीं होगा ना। अरे बहुत बढ़िया, इसके सामने तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ? इसके सामने अच्छा लग रहा है। रात में तो जी बचाओ करते हैं, सारे से रहते रहते रात में, इसी से भोरे आ नहीं तो। इसके अंदर तो बहुत ठंड होता होगा? नहीं, ये कैबिन के अंदर भाई साहब, ये देखो टाइमिंग इतना ख़राब है हमारा, तो हमने ये सत्तू का सिप लेके आया। तो अभी एक बार ताजमहल के अंदर घुस जाएंगे तो फिर हमको खाने का कुछ मिलेगा नहीं, वहाँ पे खाना नॉट अलाउड है। तो ये सत्तू का घोल, सत्तू लेके आए थे, सत्तू का घोल बना रहे हैं, सत्तू का घोल पी के निकल जाएंगे। तो एटलीस्ट 10-11 बजे तक भूख नहीं लगेगी, उसके बाद बाहर निकल के ताजमहल देखना हो जाएगा, बाहर निकल के फिर ब्रेकफास्ट करने का इरादा है। तो अभी ये सत्तू का घोल बनाया जा रहा है, गर्म पानी वहाँ पर सब अरेंजमेंट सब दिया हुआ है, पानी डालो गरम करो, यहाँ पे घोल बना के पी के निकल जाएंगे। इसको इग्नोर करना, गंदा सा कॉफ़ी मैंने पिया नहीं है और टेबल भी बहुत कचरा फैला हुआ है, प्लीज़ इग्नोर। मतलब पेट भरने के लिए ठीक है, पर उतना टेस्टी होता नहीं है, ठीक है? नहीं, टेस्टी हो। पहले जाइए फतेहपुर, हमको सुबह का ताजमहल देखना है इसलिए। तो फिर आप 6 बजे निकलते हैं? 6 बजे निकल के तो फिर तो अभी देखिए, अभी कितना धुंध है, तो 6 बजे तो कुछ भी नहीं दिखने वाला है इसलिए। तो उधर से लौटेंगे ना? हाँ, तो इधर में धूप आ जाएगा तब अच्छा लगेगा। मार्बल है बट भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है ना उस टाइम 11 बजे के बाद, तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी ना, तो मुझे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में बहुत मुश्किल होगा। तो कम भीड़ में मेरे को तो सुबह वाला देखना चाहिए, जब सनराइज होगा ना उस टाइम का देखना है। ठंडा है, ठंडा है, सब सर्दी सर्दी है ना आज। कैसा है भाई, सब ठीक है? सब ठीक है, सब चंगा, सब चंगा। बस हमको टिकट काटने वाले लाइन पे खड़ी नहीं होनी है, है ना जी। ओके, खाने का आइटम नहीं, वहाँ जमा कर दिया जाएगा। पानी, पानी लेके जाते हैं? केवल पानी, कैमरा का 25 रुपया, वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपये देना पड़ता है, अंदर है वो भी। कैमरा मोबाइल ये दो चीज कैरी कर सकते हैं जी। खाने का, स्मोकिंग का कोई आइटम नहीं जाएगा। स्मोकिंग तो हम करते भी नहीं है वैसे। बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है भाई। तो यहाँ पे ताजमहल में आपको
ये शू कवर जूतों को कवर करना पड़ता है और यहाँ पे मास्क भी मैंडेटरी कर दिया है, क्योंकि नया सा कोरोना जो आ रहा है। वहाँ अगर आप देखोगे तो ताजमहल वेस्ट गेट, वेस्ट गेट से अंदर जाएंगे हम लोग। आपको बग्गी सिस्टम भी है। ये बग्गी का क्या कितना रेट है भैया आपका? ये बग्गी अंदर छोड़ने के लिए कितना रेट है? 20 रुपये सवारी। वापस आते टाइम भी मिल जाएगी वहाँ से? अभी सुबह से 17 चल लेते हैं, उसके बाद। थैंक यू। तो यहाँ पे आपको बग्गी मिल जाएगा, तो बग्गी आप ले सकते हो, 20 रुपये सवारी आपको अंदर छोड़ देगी। नहीं तो आई थिंक कितना किलोमीटर है पता नहीं, इसको बैग में रखो ना। सब मास्क पहन लिए हो? हैं मास्क पहन, मास्क पहन के फोटो खींचोगे? ताजमहल के कितने गेट हैं? 3 गेट। 3 गेट और कौन सा है? और एक गेट बताया, 3 गेट। अच्छा, हम लोग वेस्ट गेट से घुस रहे हैं ना। काफी होश है और यहाँ पे काफी है, मतलब ग्रीनरी बहुत है यार, है ना। लॉकर भाई, लॉकर रूम भी है, बैग वगैरह रखना है तो रख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए लगता है लॉकर लगाना पड़ेगा, लॉकर लगाना पड़ेगा भाई। गैर कानूनी चीजें लेके घूमते क्यों हो साला? अभी साला लॉकर लेना पड़ेगा, हमको पैसा खर्चा हो गया भाई। सोच रहा था गैर कानूनी चीज रख के आए बाहर, लेकिन लग रहा है लॉकर लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अभी से टिकट विकेट दिखा के लंबी लाइन पड़ जाती है, लंबी लाइन लेके आपको अंदर जाना होता है। भाई साहब बहुत बड़ी है, आप कुछ भी बैग वैग नहीं ला सकते। अगर आपका कैमरा बैग है तो सिर्फ तभी कैमरा ला सकते हो, नहीं तो कुछ भी नहीं ला सकते। सब कुछ रख दिया है लॉकर रूम वगैरह में। तो अभी अंदर आ चुके हैं हम लोग, ज़बरदस्त है यार। ये जो सामने होता ना, यहाँ पे जब कोई गेस्ट आते थे ना ताजमहल में, राजा के गेस्ट जो आते थे, तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे ढोल शाखी बजा कर फिर उनको यहाँ से एंट्री होता था। तो ये है मेन गेट है, तो यहाँ से पूरा यहाँ पे ढोल बजता था, यहाँ ढोल बजता था ऊपर से, और फिर यहाँ से उसका मेन गेट से एंट्री होता था। तो गेस्ट वहाँ से आते? हाँ, और अभी मैंने कहीं पे पढ़ा था जो ऊपर जो वहाँ पे वो जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो वाइट वाइट कलर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, तो यहाँ पे 11 है, तो यहाँ पे 11 है और उस साइड पीछे की तरफ 11 है, तो 11 11 22 साल। तो ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, समझे? यहाँ पे ताजमहल का छोटा सा हिस्ट्री मिल जाएगा। ये मेन गेट है, हम यहाँ खड़े हैं। ताजमहल जो है यहाँ पे स्ट्रेट जाना है, ओके, और उसके पीछे यमुना रिवर है, इधर मॉस्क है, वहाँ पे मेहमान खाना होगा, खाना वाना खिलाते होंगे पहले। अच्छा, ईस्टर्न वॉल, खाने इलाम, खाने इलाम या म्यूजियम, नौबत खाना, ताज म्यूजियम, ये क्या है? ये हम लोग इधर से आए, सहेली बुर्ज। अच्छा, यहाँ से गेट है। अच्छा, दरवाजा है भाई, मेटल का दरवाजा है। यहाँ वीडियोग्राफी के लिए 25 रुपये वीडियोग्राफी का पे कर दीजिए, नहीं तो बाहर बहुत ज़्यादा फाइन है। कितना फॉग आ रहा है भाई, ओ शिट, साइड से दिखाता हूँ, देखो जैसा लग रहा है कि आग लग गया अंदर कोई। यार बाप रे, सब यहाँ पे कवर करना पड़ेगा, कवर करो। जोकर बना दिया है भाई, देखो बीवी तो छोड़ ही नहीं रही है। ताजमहल दिखाता हूँ आपको अभी, ठीक है? ताजमहल देखो अभी, ठीक, ये देखो भाई ताजमहल,
सुपर भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, पैसा बस पैसा वेस्ट हो गया भाई, कुछ भी। यहाँ पे यही है, वही प्लेस है जहाँ से लोग फोटो वोटो खींचते हैं। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं भाई, पूरा पूरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आसपास के लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ठीक से लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्या ही ताजमहल देख लेंगे भाई, इसमें से लोग फोटो भी खींच रहे हैं। देखो वो उसके साथ फोटो, ले भगवान। धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा शायद, लेकिन अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है आपका 8:37 टाइम हो रहा है, तो अभी तक तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहीं पे वेट करना है और कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ऐसे ही थोड़ा सा चल सकते हैं उसमें अगर चलना है तो किसी को, तो वेट करते हैं। पे अभी क्या ही कर सकते, स्लो मोशन टाइम लैप्स यही सब वीडियो बना रहे हैं। अभी बाहर अभी भी देखो फुल फॉग, अभी ये साफ होने में कितना टाइम लगेगा कुछ पता है क्या आपको? नहीं। आप लोकल है यहाँ के? नहीं नहीं। अच्छा, वो ब्लू शर्ट वाला तेरे को दिख रहा है? ब्लू शर्ट वाला होगा ये ताजमहल में मैंने ये पान तंबाकू का गुटखा मांस वास बोतल बोतल कीड़ा कचरा सब फेंक के रखे थे भाई, क्या ही बोला जा सकता है यार। अब दुनिया का सातवां अजूबा बना लो, साला पहला अजूबा बना लो, हम इंडियंस ना साला सब कुछ कचरा कर देते हैं भाई। मोबाइल का कवर भी यहीं पे निकाल के चुंगम विंगम, बाहर तो चेकिंग लेकिन चल रहा था, ये सब अलाउड ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से लेके आ गए लोग, मांस वास खोल के यहीं फेंक दी से भाई। अरे ये क्या है भाई, ये क्या गया भाई, ये तो कुछ और है, इसके पीछे है ताजमहल भाई, कब आएगा ले तुम लोग हैं, यही ताजमहल है। सुनो इतना अंधेरा कुछ दिख भी तो नहीं रहा है, मतलब अंधेरा मतलब इतना कुहासा। अच्छा उसके ऊपर ताजमहल है भाई, भाई उसके ऊपर ताजमहल है भाई, थोड़ा सा मेहरबान हो रहा है शायद, अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। देखो थोड़ा सा पीछे दिख रहा है, अरे चलो अंदर जाएंगे, पीछे जाएंगे हम, पीछे से देख के आएंगे, पीछे से देख के आएंगे, क्लियर होने दो उसको, और अभी धूप आ रही है ना, अभी क्लियर होगा, ये फायदा नहीं होगा भाई। थोड़ा सा आगे अगर जा रहा हो तो आगे जाके थोड़ा सा हल्का सा क्लियर हो रहा है, बट यहाँ से दूर से अगर देखोगे तो दूर से भाई अभी भी कुछ भी नहीं दिख रही है, ठीक है, सेम टू सेम है। यहाँ से आगे जाने से थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, बट अभी इधर आ गए हैं, इनको भी लेके जाएंगे साथ में। नहीं भाई कश्मीर बन गई है, तो अभी दिखा देते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह सब मिल जाएगी, यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स टाइप के हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कारीगरी की गई है, और ये जगह बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से, एक्चुअली फोटो वोटो थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे तो अच्छे से दिखाते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ आपको गार्डन दिख जाता है, यहाँ पे ताजमहल थोड़ा सा बेटर दिख रहा है, अभी थोड़ा सा और खुल जाए तो मज़ा आ जाए यार। तो अभी लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, सब के सब लोग अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि चलो कभी ताजमहल अभी कोहरा हटे तो फिर ताजमहल देखें। खाने पीने का आपको यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है, आप सिर्फ अपने साथ पानी ला सकते हो, पानी का बॉटल, और पूरा आपका चेकिंग होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होता है, सिक्योरिटी चेकिंग करके तब आपको अंदर छोड़ा जाता है। तो कोई बैग्स वैग्स अलाउड नहीं है, ओनली कैमरा बैग्स ही अलाउड है, और कुछ भी अलाउड नहीं है। अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये वर्ल्ड का 7 वंडर्स में से एक आने वाला ताजमहल है, और
ताजमहल बना था 1632 एंड 1653 के बीच, इसको बनने में 21 साल लगे थे और 20,000 लेबरर्स ने काम किया था इसके अंदर। ये शाहजहाँ ने अपने शाहजहाँ के बहुत सारी वाइफ थी, लेकिन उनके फेवरेट वाइफ का नाम था मुमताज़ महल। तो उसके मुमताज़ महल अपने चाइल्ड बर्थ, अपने जो 14 चाइल्ड बर्थ करते टाइम उनका देहांत हो गया था और फिर उन्होंने उनकी याद में ये ताजमहल बनाया था। तो ये छोटा सा एक स्टोरी है, और भी कुछ कुछ स्टोरी होगा अगर मैं थोड़ा देखता हूँ, अगर स्क्रीन के साइड में, अगर इधर या इधर साइड में कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री लिख दूंगा तो उसको आप पढ़ लीजिएगा छोटा सा, और गूगल के भरोसे तो आप रह ही सकते हैं क्योंकि गूगल में सब कुछ आपको मिल जाता है। सुंदर देखते, वाह, मतलब मोबाइल से और कैमरा से तो ये जस्टिस नहीं कर पाएगा जो आँखों के सामने जो आप देख पा रहे, है ना? एकदम ना मन अच्छे जानो क्लाउडेड मन अच्छे सम फ्लोटिंग समथिंग মানে একটা প্যালেস টাইপের কিছু একটা জানো ক্লাউডের মধ্যে যেন একটা ফ্লোট করে উঠছে। यहां पे गार्डन मिल जाएगा, अरे गार्डन में आप जा नहीं सकते, यहां पे बैरिकेडेड किया हुआ है। यहां पे ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, या जो फाउंटेन्स दिख रहे हैं, ये वो पुराने ज़माने के फाउंटेन्स हैं, हाँ, और जो शाहजहाँ ने बनाया था और इसको, लेकिन थोड़ा सा मरम्मत वरम्मत का काम चलते रहता है। यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या ही ग्रेट दिख रहा है भाई। तो ये यहाँ से आप चल के यहाँ पे एक पोडियम टाइप का मिलेगा, और यहाँ पे भीड़ क्यों ज़्यादा है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स वगैरह और बाहर से जो लोग आते हैं यहाँ पे आके इस वाले जगह पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या पोज है भाई, बाबा दुनिया भर के पोज यहाँ पे, जो ये जो फेमस जो ऊपर मीनार को पकड़ लेते हैं वैसा वाला पोज वो भी मारेंगे इसको बिना मारे। अरे वो ट्रेडमार्क वाला पोज मानना है कि नहीं मानना है, ऐसा वाला यहाँ मेन बिल्डिंग में, अगर ताजमहल में जाना है तो आपको ये पैर में ये वाला पैर को ढकने लायक जूतों का कवर पहन लेना होता है, तो आप अंदर अलाउड नहीं है। और यहाँ जाने के लिए 250 रुपीज़, इसके ऊपर चढ़ने के लिए 250 रुपीज़ का टिकट होता है, और अगर आप नीचे तक ही देखना चाहते हो तो 50 रुपीज़ का टिकट। ये ताजमहल के पीछे साइड से ये आपको यमुना रिवर, ये यमुना रिवर उस पार मेहताब बाग है, बहुत दूर दूर तक विजिबिलिटी रहती है बट अभी फॉग के कारण उतना है नहीं। तो और यमुना नदी भी काफ़ी काफ़ी गंदी हो चुकी है एक्चुअली, अभी थोड़ा सा बेटर है। यमुना रेस्क्यू कुछ तो अभियान वगैरह निकला था तो उसके चक्कर में थोड़ा सा क्लीनिंग हुआ है, वरना ये यमुना रिवर भी बहुत काली, इसकी पानी है बोली जाती है कि काली पानी है इसकी। तो मेहताब बाग उस साइड है, मेहताब बाग है, तो मेहताब बाग से भी ताजमहल का बहुत ही बढ़िया वाला व्यू दिखता है, ये वाला व्यू दिखता है। यहाँ पे ना सब जेम्स, पत्थर जेम्स,
जो महंगा महंगा जो पत्थर वत्थर है जो सब ब्रिटिश व्रिटिश लोग खोल के लेके चले गए ना, ये सब जगह पे सब वो सब लगा हुआ था, पूरे ताजमहल में वो सब लगा हुआ था। मतलब कितना ही लूटा है भाई हमको उन्होंने, क्या ही खूबसूरत है भाई, ठंडा है, प्योर मार्बल से बना हुआ है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, आई थिंक इसके आगे या फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, तो यहाँ पे इसके आगे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी नहीं कर सकते, मोबाइल बंद करके जेब में रख लेते हैं। तो अब हम एंटर कर रहे हैं जो मेन जो उसका टूम्ब है उसके अंदर, बाहर आके बताते हैं अंदर कैसा है। तो देख लीजिए वो अंदर ऐसे सब बीच में ऐसे कबर टाइप पे रखे हुए दो, और चारों तरफ ऐसा घूम सकते हैं, घूम के निकल जाना होगा, और तो कुछ है नहीं। और अंदर कुछ शायद कुछ जेम स्टोन वगैरह कुछ तो शायद बच गया होगा, तो वो जेम स्टोन बच जाने से उसमें कुछ लाइट वाइट जलाने से कुछ चमक रहा था, तो यही सब देखने को है हम अंदर, ऐसा कुछ और ना खास है नहीं। तो खूबसूरती ज़्यादा है ताजमहल की तो ताजमहल के बाहर से ही है, जो आपने अभी तक देख लिया होगा जितने भी शॉर्ट्स मैंने कुछ लिए हैं। तो चलो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, हमको यहाँ से निकलना भी है, जल्दी से आगे पीछे देख लेते हैं, देख के फिर निकल चलते हैं। ये ताजमहल के साइड्स पे आ गए हैं, तो यहाँ से भी आपको ताजमहल ताजमहल चारों तरफ से सेम खूबसूरत दिखता और सेम दिखता है। तो यहाँ भी एक दरवाज़ा टाइप का कुछ तो है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको ताजमहल, वाह अभी तो हो गया है ताजमहल, पीछे देख पा रहे हो अभी मस्त मस्त सा ताजमहल दिख रहा है आपको। अभी लाइटिंग भी अच्छी हो गई है, थोड़ी सी धुंधली धुंधली अभी भी है तो, लेकिन फोटोग्राफी जितना हो सका उतना कर पाए हम लोग। तो अभी यहाँ से इस जगह पूरा घूम लिए हैं, तो गार्डन वार्डन अगर देखना होगा तो देख लेंगे, वहाँ ऊपर कुछ है ऊपर, वहाँ पर लोग फोटो वोटो खिंचाते हैं, तो वहाँ से अगर फोटो वोटो खिंचवाना है तो फोटो खिंचवाएंगे, नहीं तो अभी निकल चलेंगे, टाइम भी बहुत हो चुका है। तो यहाँ से निकलना है, कितना टाइम हो रहा है अभी, अबे यार कितना टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। तो अभी यहाँ से निकलेंगे, नाश्ता वास्ता भी कुछ वैसे कुछ किया नहीं है, तो नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर यहाँ से निकल के निकलेंगे फतेहपुर सिकरी। ड्राइवर जी भी फ़ोन कर रहे थे, तो ड्राइवर जी भी वेट कर रहे हैं अपने लिए, तो चलते हैं जल्दी यहाँ निपटा लेते हैं, दो तीन और शॉर्ट्स वॉर्ट्स अगर कुछ लेना हो तो यहाँ से ले लेते हैं, फिर निकल के आपको बाहर भी मिलते हैं। चलो यही होता है जब आप पीक सीजन में ताजमहल घूमने आते हो, देख रहे हो क्या गिज 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 गिज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे पास में वो देखेंगे ना, वहाँ पे छोटे छोटे कटोरियाँ बनी हुई हैं, तो उसमें जो शाहजहाँ के जो हेल्पर्स या वर्कर्स या तो उन ज़माने में नौकर बुलाया जाता था, तो वो लोग वहाँ रहते थे, बहुत बढ़िया। हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ आज जस्ट बिकॉज फॉग इतना ज़्यादा था, फॉग क्लियर होने के लिए वेट करता, अभी भी देखोगे तो फॉगी दिख रहा है, पूरा व्यू क्लियर नहीं है, और अभी 12:10 हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लोक रूम या लॉकर रूम जो भी है उसकी फैसिलिटी मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसा होते हैं कि जो कि अंदर अलाउड नहीं है, जैसे कि सिगरेट तंबाकू लाइटर वगैरह, और फिर कैमरा बैग्स माइक्स और बहुत कुछ चाकू छुरी इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वहीं पर रख सकते हैं। जस्ट भीड़ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, माय गॉड।